गुजरों कैसी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई चल रही है कि अभी बंद? नमो नमः वजह जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अरे मेहंदी धोने के बाद की कुर्ती नहीं ली है अभी, तो आपने पहनकर स्क्रीन दी है। नमो नमः वजह जी, आपको आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपना वाला अरेंजमेंट कर लीजिए जहाँ आप वो दो लॉगिन करते हैं ना, एक बोलने वाला और एक शायद से सुना देगा। शायद से आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ हाँ आवाज तो अच्छे से आ रही है। हाँ तो बस तो आज शायद से चल जाएगा एक से ही। ठीक है तो आप दिखाओ फिर, वीडियो चालू करो देखते। हाँ हाँ दिख रहा है मेरा वीडियो आपको, वो जो यज्ञ का वो सब? अभी तक तो नहीं रेडी है वो। हेलो आप मुझ पर चले गए अंशु जी? हाँ हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है अभी? हाँ 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 तो ठीक है, बाद में आराम करूँ? हाँ बिल्कुल आप शुरू कर दीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। तो नमो नमः सर्वेशाम नमो नमः, आज हम फिर से सर्वेशाम नमो नमः मैं आता हूँ सहायता से यज्ञ विधि देखेंगे और सीखेंगे। जो भी साथ में करना चाहें वो साथ में कर सकते हैं, और इस तरह के है हम बीच बीच में करते रहेंगे। और आज रिकॉर्डिंग भी अच्छे से होने वाली है, तो इस विधि की जो चलचित्र संरक्षण है जिसको अंग्रेजी में हम रिकॉर्डिंग भी कहते हैं वो भी मिल जाएगा। चलिए ओजस जी आप शुरू, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि क्या आता शुद्धिकरण के लिए आचमन ही करेंगे तीन बार। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। हस्तपेक्षाभ्यामी और अभी मिनट हाथ तो वो कुछ कहता हूँ। और अभी वापस कवच की हम कवच पहन लेंगे शिव जी का। ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय नमः। अभी रुद्र रक्षा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अंशु जी अगर मीटिंग एंड होगी तो मुझे सिर्फ उसके पहले बता देना कि मीटिंग एंड होने वाली, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ेगा उसके लिए। लगभग आधे घंटे के बाद वैसा होता है तो शायद 7:40 के आसपास। और वैसे यहाँ पे भी ये वार्निंग दे के बंद नहीं होती है, तो असल में वो अचानक से फट से बंद हो जाएगी, तो इसलिए मैं 7:40 के आसपास का समय बता रहा हूँ कि 7:30 या 7:40 के बीच कभी होगा। हाँ तो मैं ऐसा अभी ऐसा तो कैमरा उल्टा कर देता हूँ फिर। हाँ एक मिनट रुकिए। थोड़ा नीचे। हाँ हाँ कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मिनट रुक जाइए। हाँ अरे बाप रे, हाँ कर लीजिए आराम से, आप इतनी बड़ी चीज कर रहे हैं सबके लिए वही बहुत बड़ी बात है। अरे हो गया वो
तेरा होगा शायद। हाँ अरे एक ही है मैं करता हूँ। हो गया दिख रहा है बराबर अभी। हाँ तो अभी हम कवच तक तो पहुंच गए थे, अभी गणेश वंदना कर लेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमदेव स्वकाशो सर्वदः। तभी दीप का जो हम प्रज्वलन करेंगे, स्वं कुरु त्वं कल्याणं विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो में हरम पाप संध्या दीपो नमोस्तुते। वसुदेव स्तम देव कौशाण नमर्दनम देवकी परमानंदम श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्तर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःख भाग् भवेत्। ओं विश्वानि देव सुरितर दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गुरुवार है तो उसके माँ लक्ष्मी का हवन होता है, तो उसका जो मंत्र है वो श्री सूक्तम है, तो अब आज हम उसकी आहुति देंगे। श्री सूक्तम स्वाहाकार। ओम ओम हिरण्यवर्णां हिरणीं सुवर्ण रजतस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह स्वाहा। ओम ताम मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावश्वं पुरुषानहं स्वाहा। ओम अश्वपूर्वामृत मध्यामस्तिनाद प्रबोधिनी श्रियं देवी मुहप्यायै श्रीर्मा देवी दुषतां स्वाहा। ओम काम सोस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं रुक्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां कामिहोपहुवये श्रियं स्वाहा। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवे जुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रबद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसो विजातो मपतिस्त्वा वृषोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः स्वाहा। ओम पेतु मा देवसकः कीर्तिश्च मणिना सह भ्राद्रुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् प्रीति मृधि ददातु मे स्वाहा। ओम श्रुतिपपसमलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीर् नश्यताम्यहम् अभूतिं स्मर्दुदिं च सर्वां निर्णुदमे गृहात स्वाहा। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीङ्गं सर्वभूतानां कामिहोपहुवये श्रियं स्वाहा। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनामृतमनस्य मयि श्रियः श्रयतामशः स्वाहा। ओं कर्दमेन प्रजा भूता मयि सन्धव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं
स्वाहा। ओम आप सजंतु स्निग्धानी चिक्लिता वसमे गृहे निच देवी मातरम श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। ओम आद्रां पुष्पकरणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रामृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह स्वाहा। ओम आद्रां इहकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामृणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह स्वाहा। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो श्वान विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ओम श्रीर्वर्चस्वामायुष्यमारोग्यमाविद्धात हवामानं महियते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अभी हम ईश्वर को आहुति देंगे, परमेश्वर को। भुवः स्वाहा अग्न्ये इदं न मम, भुवः स्वाहा वायवे इदं न मम, स्वः स्वाहा सूर्य इदं न मम, भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतये इदं न मम। श्री लक्ष्मण स्वाहाकार, लक्ष्मण सूक्तम का स्वाहाकार करेंगे। ओम पद्मानन पद्म उरु पद्माक्षे पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सुख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गौदाय धनधान्य महाधने धनमे लभतां देवि सर्वकामांश देहि मे। पद्मानन पद्म पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलयताक्षी विश्वप्रिये विश्वमननुकूले तत्त्वत्त पाद पद्म मयि सन्धिस्त्वा पुत्र पौत्रं धनं धान्यं हस्तित्वाश्वा दिगवे रथम भजानं भवसी माता आयुष्मन्त करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योर्धनं वसुः धनम् इन्द्र बृहस्पतिर्वरुणधनमस्तु मे। तेन तेन सोमं पिबं सोमं पिबतु वृत्रः सोमं सोमिनो महां ददातु सोमिनिः। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां च सुक्तं जपेत् सीजनलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक गन्धर्मालाशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरि प्रसीद महां विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीप्रिय सखीं देवीं नमामि चितवल्लभां। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुमन्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। ॐ शीर्वचस्य मायुष्यमारोग्यं विद्धिदं भानवं महियते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात स्वाहा। ओम भूर
भर्गोर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम दशवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा. नाम प्रतिज्ञा आहुति देंगे. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतं दिनं मृत्यु जरा व्याधि प्रीतं करबंधने स्वाहा ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतं जनमृत्यु जरा व्याधि प्रीतं करबंधने स्वाहा ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतं जनमृत्यु जरा व्याधि प्रीतं करबंधने स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धन समृद्धि दीपाय स्वाहा ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धन समृद्धि दीपाय स्वाहा ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धन समृद्धि दीपाय स्वाहा ओम जगदंताय विद्महे वगदंताय धीमहि तन्नोदंती प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नोरुद्र प्रचोदयात् स्वाहा ओम कालकालाय विद्महे कालचिताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्षाय विद्महे चतुर्दंताय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुमंजय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम वेदमानाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम वागदेव विद्महे विंचिपन्नज धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवी ब्राह्मणे विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा ओम गाता विद्महे कुण्यकोमय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा ओम भास्कर विद्महे महाज्योतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् स्वाहा ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीमात्रे नमः स्वाहा ओम श्रीमात्रे नमः स्वाहा ओम श्रीमात्रे नमः स्वाहा ओम महिमाकलिदेवे नमः स्वाहा ओम महिमाकलिदेवे नमः स्वाहा ओम महिमाकलिदेवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै स्वाहा ओम ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम राम रामाय नमः स्वाहा ओम शिवकेशवाय नमः स्वाहा ओम शिवकेशवाय नमः स्वाहा ओम शिवकेशवाय नमः स्वाहा
ओम श्री राम रामेति रामेति रमे राम मनोर रमे सरस नम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ओम श्री राम रामेति रामेति रमे राम मनोर रमे सरस नम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ओम श्री राम रामेति रामेति रमे राम मनोर रमे सरस नम तत्तुल्यम राम नाम वरानने स्वाहा। ओम हनुमतये नमः स्वाहा। ओम हनुमतये नमः स्वाहा। ओम हनुमतये नमः स्वाहा। ओम शोषणेश्वराय नमः स्वाहा। ओम शोषणेश्वराय नमः स्वाहा। ओम शोषणेश्वराय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। मिष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। मिष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। मिष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। 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 ओम श्री वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ओम चम्मे स्वस्मुखमृतनमश्च यत्तेन्युम् दस्मिते उक्तिर्दं तस्मै ते नमः। ओम यज्ञेश्वराय नमः। स्वस्ति। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविद् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवचनगन्त्यं ब्रह्माकरं समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविद् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवचनगन्त्यं ब्रह्माकरं समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविद् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवचनगन्त्यं ब्रह्माकरं समाधिना। ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेदसमायोक्तं शतं धर्मादिशत् किं सत्यं किं अध्यात्मं यदि विज्ञातुर्महति तच्चतुर् ग्रन्थेषु प्रमाणं परं श्रुतिः। अस्पश्यन् चित्तगत् अस्पष्टं तदनुगणान विवेचनम् अन्यत् लभते किन्तु प्रमाणं परं श्रुतिः। अशुभ ग्रन्थेषु सर्वस्य श्रुतिप्रमाणमेव च सर्वदर्शनमादरेण निजगणे हेतवे शुचिगवदर्थाः केचन अन्य दर्शति वादिनः। सर्वदेव लम्यान्ति मिथकलः कारिणिः नास्तिकवति निन्दकः पाखनव दुःशकः एते सर्वे नश्यन्ति मिथत पृथकः। यदनतः कर्म स्वधने निरुतो भवेत् एष एव श्रुतिः सततं सनातनं सत्यं शरणं गच्छामि तद् धर्मं शरणं गच्छामि तद् धर्मं संगम शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि तद् धर्मं शरणं गच्छामि तद् धर्मं संगम शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि तद् धर्मं शरणं गच्छामि तद् धर्मं संगम शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति। हां सुजी, तो इस सारा हमारी यज्ञ की विधि संपूर्ण हुई। बहुत उत्तम। तो अभी आप वो फिर से एक बार वो शुरू में जो हम पिछली बार हमने बातें की थी यज्ञ के बारे में, वो आप, आपको आवाज नहीं आ रही है ओजस जी? ओजस जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओजस जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद से। अभी बोलिए, अभी आवाज आ रही है? अंशुजी आप जैसे म्यूट पे हैं शायद से। अंशुजी देख लीजिए जरा एक बार कमाई को। अच्छा नहीं, म्यूट पे तो नहीं हूँ, पहले जैसा ही है सब कुछ। हेलो अंशु जी। हाँ एक सेकंड रुकिए, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। अभी बोलिए, आपको आवाज आ रही है? मैं कुछ करता हूँ। ओजस जी आपको आवाज आ रही है? ओजस जी पूरी थे कि ओजस ओजस पूरी थे कि ओजस जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, वैसे इसके वजह से वो है ना बुरान हो गया।
अच्छा हाँ मैं समझ गया। शायद वो दो फोन के कारण कुछ हुआ होगा, पर मैं हाँ बोल रहा हाँ था वही कि बस। अभी हम अभी आपने ऐसे विधि करके तो दिखा दी, अभी हम एक बार फिर से जो हाँ शुरू में हमने पिछली बार किया था ना कि यज्ञ का महत्व की बात की, फिर हाँ हाँ अलग अलग दिन में कौन कौन से क्या कर सकते हैं, फिर इसकी सामग्री क्या होती है, तो किसी के कोई प्रश्न हाँ है तो हम वो वाले स्लाइड्स पे एक बार चलते हैं, तो आप यदि उसमें भी अवश्य बात कर अवश्य। हाँ पाएंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए, है ना। हाँ करता अवश्य करता हूँ। हाँ कीजिए। ठीक है, तो मैं वो वाले स्लाइड्स पे चलता हूँ। आपको स्क्रीन दिख पा रहा है ना, स्लाइड्स वाला? हाँ हाँ वो दिख रहा है अभी। ठीक है, तो मैं पहले वाले स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये वाले पे। हाँ, तो अब आप जब चाहे बोलिएगा, अगले पेज पे चलेंगे तब आप बात कर सकते हैं इस बारे में। हाँ अवश्य। तो यज्ञ का महत्व और उसका अर्थ क्या है, यज्ञ का उसके विषय में स्लाइड है। यज्ञ जो कुंड है वो ईश्वर की थाली, मतलब ईश्वर के लिए थाली का रूप है, और जो हम आहुति देते हैं वो ईश्वर को भोजन करवाना है के समान है। तो यज्ञ एक ही, मतलब हम ऐसे तो चढ़ाते हैं प्रसाद, ईश्वर को देते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, पर उस वो तो अवश्य ग्रहण करते ये, पर ये यज्ञ हमारे हाथों से उनको खिलाना होता है। तो यज्ञ का महत्व ये है, और उसके लिए यज्ञ में सब सारी शुद्ध चीजें ही प्रयोग करने में आती है। और यज्ञ का कुंड जो उसका साइज है वो 10 अंगुल के बराबर का होना चाहिए, तो 10 अंगुल बोलते हैं उसको। तो वो यज्ञ कुंड सबसे उत्तम होता है। और यज्ञ के दौरान जो यज्ञ करते हैं उसके लिए कोई भी ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो किसी की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन में ईश्वर की प्रतिमा होनी चाहिए, वही बहुत ही काफी है। और यज्ञ का फल निश्चित क्योंकि मिलता है, क्योंकि इसमें ईश्वर हमारे साथ एक क्या बोलते हैं संबंध में आ जाता है, क्योंकि उसमें हम उनको भोजन करवाए तो बाद में वो हमको कुछ तो कुछ अवश्य देते ही है रिटर्न में। तो जो भी हमारा संकल्प है वो यज्ञ के प्रथम हमको हमारे मन में दृढ़ता से रखना है, तो उस हिसाब से यज्ञ का फल अवश्य मिलता ही है। हाँ जी चेंज कीजिए। हाँ तो जैसे ये तो हमने पहले भी किया था, तो यज्ञ के लिए जो ऐसे तो कोई यज्ञ कोई भी दिन पे कोई भी ईश्वर का यज्ञ कर सकते हैं, पर ये हमारे जो मतलब जो मैं जैसे फॉलो करता हूँ उस हिसाब से ये दिया हुआ है कि सोमवार को शिव जी का वार मानते हैं, तो सोमवार को शिव जी का हवन करते हैं, उसका मंत्र जलाभिषेक का नाम प्रयोग उपयोग करते हैं, और उसके लाभ जो जो होता है वो मोह माया का त्याग और शक्ति, मतलब और उसकी शक्ति मिलती है। और दूसरी बात कि हमें अच्छाई के गुण आते हैं, तो ये हम शिव जी के यज्ञ का फल है। मंगलवार को जैसे गणेश जी का यज्ञ होता है उसमें अथर्वशीर्ष का जो मंत्र उसका जाप होता है, और उससे सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति और सब मतलब विद्या की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस गणेश जी विद्या के देव है, तो उससे हमें विद्या की प्राप्ति होती है। बुधवार को विष्णु जी का हवन, नारायण का हवन होता है, उस दिन पर श्री मंत्र जो होता है श्री विष्णु सूक्तम मंत्र होता है, उससे लाभ होता है समृद्धि यश की प्राप्ति, जैसे हम मतलब ज्यादा फेमस होना है प्रसिद्धि पाना उससे यह प्राप्ति होती है, और वैकुंठ का आनंद धरती पर ही मिलता है, तो ये उसका लाभ और उसका फल है। हाँ बाद में गुरुवार जो आज हमने ये जो आज यज्ञ किया है वो लक्ष्मी माता का यज्ञ किया, तो उससे तो उसका जो आज मंत्र हमने पढ़े थे वो तो श्री सूक्तम और श्री लक्ष्मी सूक्तम थे, तो उसकी जो प्राप्ति है वो धन और वैभव में, क्योंकि वो माता लक्ष्मी धन की ही देवी है, तो उसकी प्राप्ति धन और वैभव ही होती है और फल भी वही होता है। शुक्रवार को दुर्गा माता का हवन है जो कल है, तो कोई भी मतलब देवी जो हम बोलते हैं कि शक्ति देवी का जो रूप है, सारी सारी देवी है जिसमें शक्तिपीठ आ गई, कुल देवी आ गई, सब देवी का यज्ञ शुक्रवार को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि उस दिन देवी का वार हम मानते हैं। और मंत्र जो है वो तंत्रोक्तम देवे सूक्तम है, और उसका जो लाभ है वो जो तप व तेज उसका लाभ है, बेसिकली शत्रु का नाश और हमारे अंदर एक सत्गुण सत्व गुण का आना, वो उस दिन का फल है। शनिवार को हनुमान जी का यज्ञ होता है, बेसिकली पुरुष का यज्ञ बोल सकते हैं, पर शनिदेव और वेद वेद जो हम पढ़ते हैं, पुराण जो पढ़ते हैं, जो वेद व्यास जी के लिए प्रसिद्ध है, तो उसके लिए वो मंत्र है श्री पुरुष सूक्तम, जो वेद का ही मंत्र है, जो जिसको वेद वंदना भी कहते हैं, और जो उसका लाभ है वो संस्कृत का ज्ञान बल और धर्म। धर्म का अर्थ है कि धर्म मतलब राइटियस पाथ, तो हम उस पाथ को हम फॉलो करने की हमको शक्ति मिलती है, तो उसका फल शनिवार के यज्ञ का फल ये है। और रविवार जो अंत में आता है उस दिन गायत्री माता का हवन होता है, रविवार भी देवी का यह दिन ही मानते हैं, और रविवार जैसे रवि का दिन भी है तो उसके हिसाब से मंत्र गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं। अभी आपको जितने भी दिन है 11, 3, 5, 21 पर ऑड नंबर रखे तो ज्यादा बेहतर है, तो वैसे मंत्र गायत्री का ही होता है, और गायत्री मंत्र की आहुति तो हम रोज ही देते हैं 11 11 आहुति, तो वो तो रोज ही देनी चाहिए कोई भी यज्ञ के दौरान, उसके बाद में या पहले,
गायत्री मंत्र की आहुति अवश्य देनी ही चाहिए क्योंकि वही देवी है, सब देवताओं की भी देवी गायत्री देवी का मानते हैं और वो मोक्षदायी देवी है, तो वो सर्वसिद्धि पूर्ण करती है। तो गायत्री मंत्र तो रोज ही रेगुलर ही उनका उनकी आहुति देनी चाहिए। और दूसरी महामृत्युंजय मंत्र की भी रोज आहुति देते हैं तो उससे शिव जी को प्रसाद चढ़ता है। तो ये दो आहुति तो फिक्स रेगुलर देनी ही चाहिए, गैर आहुति यज्ञ के पहले या उसके बाद में। हाँ, नेक्स्ट है रंशु जी। हाँ, सामग्री की जो लिस्ट है तो उसमें बेसिकली यज्ञ की सामग्री जितने भी बर्तन यज्ञ के इस्तेमाल होते हैं वो तांबे के होने चाहिए तो सबसे बेस्ट है। पर अभी तांबा अवेलेबल नहीं है तो पीतल भी चलता है और स्टील भी, मतलब सब चलते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, पर तांबा सबसे बेस्ट होता है। भी उसके लिए काचमनी की आवश्यकता है जिससे हम वो जिससे हम पीते पानी ग्रहण करते हैं शुद्धिकरण के दौरान। उसके बाद गोबर के उपले कंडे जो हम मैं ये भी से कर यूज करता हूँ पर्सनली, गोबर के कंडे तो सबसे उत्तम वो ही रहते हैं यज्ञ के लिए जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। नहीं तो बाद में लकड़ी भी चलती है जो समीधे बोलते हैं, ऐसे वो मिलता है यज्ञ के दुकान पे जाएंगे तो सब मिलेगा, तो वो भी अवश्य चलेगा। बाद में गूगल का प्रयोग करते हैं, वो धूप के लिए गूगल का इस्तेमाल होता है तो उससे वो धुआं बढ़ता है और धुएं के भी बहुत सारे फायदे हैं, तो गूगल धूप के लिए ऐसा धूप है। बाद में हवन पड़ी जो हम बोलते हैं वो सामग्री आती है जो यज्ञ में चढ़ाते हैं, तो वो तो किसी भी दुकान में जाएंगे यज्ञ की तो उसमें अवश्य मिलेगी। और सबसे उत्तम चावल या लाल चावल बोलते हैं वो सबसे उत्तम है, अगर हवन पड़ी से ज्यादा उत्तम लाल चावल या नॉर्मल चावल, पर वो पूरे होने चाहिए अक्षत जैसे बोलते हैं, तो अक्षत बहुत ही आवश्यक है और सबसे उत्तम वही बोलते हैं उसको। बाद में भोग जो हम करवा रहे हैं वो भोग के मतलब भोग के रूप में हम आप कुछ भी जो भोग में आप खाते हो वो भी चढ़ा सकते हैं यज्ञ में, जैसे खीर रोटी ऐसा जो भी आप खाते हो वो चढ़ाइए, फूल हार चढ़ाइए यज्ञ में, तो वो देवी को मतलब जो जिस भी ईश्वर को कर रहे हो तो उनको वो चढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप यज्ञ में सब तरह के शुद्ध भोग डाल सकते हैं, और जो भी आप डालें जो घी घृत अब जो बाबा जो यूज कर रहे हैं वो तो एकदम शुद्ध होना चाहिए क्योंकि ये हम ईश्वर को खिला रहे हैं। दूसरी बात कि इसका जो धुआं है वो हमको ही मिलेगा, तो इसके लिए शुद्धता का एकदम अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र, हाँ, और दूसरी वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, और काला बने तो अवॉइड कीजिए काला वस्त्र को, क्योंकि काला वस्त्र शायद से तो वेद के हिसाब से नहीं पहनते, वैसे कुछ नहीं वापस भी जैसे पर शुद्ध वस्त्र आवश्यक है। और बाद में मुखवास का भी आप मतलब चढ़ा सकते हैं मुखवास, जैसे कि लविंग सोपारी या जो बोलते हैं वरियाली, वो सब भी आप भेंट में दे सकते हैं यज्ञ के दौरान। अभी जो यज्ञाग्नि जो हम बोलते हैं जो यज्ञ की अग्नि है उसका क्या लाभ है, तो उससे नारी शुद्धि होती है क्योंकि यज्ञ के जो भी धुआं जो अग्नि है वो हमारी भूताग्नि को जागृत करती है, तो भूताग्नि से यज्ञाग्नि भूताग्नि में ही शक्ति देती है डायरेक्टली, क्योंकि वो श्वास में जाती है और वो आंखों जो तेज हम लेते हैं यज्ञाग्नि का वो हमारी भूताग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करता है, तो उससे भूखाग्नि बढ़ती है, ज्ञानाग्नि बढ़ती है, जितनी भी हमारे अंदर अग्नि है जैसे भूताग्नि कहते हैं वो सबका उत्तम से उत्तम मतलब बढ़ती है। तो उस हिसाब से यज्ञाग्नि से ये प्रथम लाभ है कि नारी की शुद्धि होती है। दूसरी बात कि हमारी जो भी हमारी समस्या है जैसे कि किसी को गैस का एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम यज्ञाग्नि से दूर होता है, उसके वो ताप या उससे तेज से दूर होता है। दूसरी बात कि घर की सुरक्षा बनी रहती है क्योंकि वो यज्ञ से जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो एक सुरक्षा कवच घर में बनाए रखती है, तो उसका वो दूसरा लाभ है। धुआं के बारे में मैं अपने से लिखा था अंशु जी, उसके स्लाइड है। हाँ, अग्निहोत्र, ओके। हाँ, अग्निहोत्र जो हम यज्ञ के पहले देते हैं, मतलब कोई भी आहुति के सबसे प्रथम अग्निहोत्र की आहुति दी जाती है, तो वो चार आहुति मैंने बोली भी थे वो भुवः स्वाहा वाली, तो सब कोई भी मंत्र के उसके प्रथम में ये चार आहुति देना अति आवश्यक है, क्योंकि हम ईश्वर सबसे पहले जो निर्गुण निराकार ईश्वर है जिसका कोई रूप नहीं है, जो मतलब शिव के ब्रह्म बोलते हैं उसके उसको उस ईश्वर को सबसे प्रथम में आहुति देते हैं भुवः स्वाहा स्वः स्व और भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इस चार आहुति के माध्यम से उसके बाद ही कोई भी यज्ञ की शुरुआत होती है। तो ये चार आहुति अति आवश्यक है, और इसके आगे ओम नहीं लगता क्योंकि ओम ईश्वर का रूप ही है, तो अभी हम जब ईश्वर को आहुति देते हैं तो उसके आगे ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सब मंत्र के आगे ओम लगेगा यज्ञ के लिए, सिर्फ इस चार आहुति के आगे ओम नहीं लगेगा, इसके बाद ही हम यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। और इसके बारे में आपने एक चीज और बताई थी ना, ये सूर्योदय और सूर्यास्त जो सूर्योदय, हाँ, सूर्यास्त वही बताया था मैं। तो जो 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 सच्ची रीति थी अग्निहोत्र की वो थी कि सूर्योदय सूर्यास्त
उस समय पे अग्निहोत्र या आहुति दे ईश्वर को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य भी नहीं जब चंद्र भी नहीं जिस मतलब दौरान पूरा अंधकार होता है सृष्टि पे, या जब दोनों में से कोई भी ग्रह उपलब्ध नहीं होते, उस वक्त व्यक्ति ईश्वर खुद आते हैं और उसी वक्त ईश्वर ने सब पूरा क्रिएशन किया था, सब रचनाएं की थी, तो उसी समय वो दो मिनट के समय पे ही ईश्वर ने पूरी रचना की थी। तो जब सूर्योदय होता है उस समय सूर्य भी आता है, सूर्य उगता है और चंद्र ढलता है, तो उसी दौरान क्षितिज का एक रूप आता है और उसी रूप को हम ईश्वर बोलते हैं। तो उसके लिए वो दो आहुति होती है ईश्वर की, वो आहुति देते हैं और सूर्यास्त जिस समय सूर्य ढलता है और चंद्र उगता है उस समय वापस वो स्थिति बनती है, उस समय दूसरी आहुति दी जाती है। तो वो दो आहुति अगर दे सकते तो सबसे उत्तम है, और नहीं दे सकते तो बाद में इस चार आहुति उसका विकल्प है। तो ये चार आहुति भी ईश्वर को ही देते हैं और ये चार आहुति कभी भी दे सकते हैं, उसमें कोई समय का की प्रतिबद्ध नहीं है। तो ये चार आहुति मन यज्ञ के पहले दे दीजिए, बाकी तो ये अग्निहोत्र की जो आहुति है उसका समय सूर्योदय सूर्यास्त ये समय ही है, पर वो अभी हमारा जो शेड्यूल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से हमको टाइम मिले या नहीं मिले, तो उसके लिए ये चार आहुति उसका विकल्प दी गई है। अच्छा, तो मंत्र बोलता हूँ मैं, वो जो आहुति का मंत्र भी बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए अंशु जी, एक मिनट मेरे पास अभी है। अब मैं अभी यहाँ पे समय दिखा रहा है असल में, तो 3:50 में ये अपने आप बंद हो सकती है, पर फिर से हम चालू कर लेंगे। तो मैं ये भी सोच रहा था कि यदि किसी के कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, तो मंत्र तो लीजिए, सूर्योदय की जो आहुति है, सूर्योदय की आहुति जो प्रथम में देते हैं हम, तो उसकी आहुति है सूर्याय स्वाहा। हाँ। सूर्याय इदम् न मम, वो एक मंत्र है, पूरा एक लाइन में आएगा, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम् न मम। उसके बाद की जो दूसरी आहुति है वो है दम न मम। न मम अलग है, कोई बात नहीं। उसके दूसरा जो मंत्र है वो है प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदम् न मम, प्रजापतये स्वाहा और प्रजापतये इदम् न मम। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कर देता हूँ। हाँ, सिमिलर सूर्यास्त के जो ये सूर्योदय के लिए मंत्र था, जो जब सूर्योदय के अग्निहोत्र के मंत्र ये है, सूर्यास्त के अग्निहोत्र के मंत्र दूसरे हैं, वो है ये सूर्योदय वाले हैं। हाँ, सुबह को मतलब अभी उसके लिए एक शेड्यूल का हमको हमारे पास मतलब एक सूची दी जाती है हमको, जिसमें सब टाइम लिखा होता है कि इसी समय पर सूर्योदय होता है, तो उसी समय पर आप आहुति दीजिए। वो मिनट एकदम कीमती है, उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट टाइम पे ही उसको आहुति देते हैं। तो मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो जो पूरा जो टाइमिंग के लिए दिया गया है, तो वो मेरे पास वो है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। सूर्यास्त का जो मंत्र है, हाँ, तो उसी समय पर दी जाती है, उस समय को चुकना नहीं चाहिए, नहीं तो आहुति का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। सूर्यास्त का मंत्र है अग्निये स्वाहा अग्निये इदम् न मम। अग्निये स्वाहा इदम् न मम, इदम् न मम। और जो लास्ट मंत्र है सूर्यास्त के लिए वो है प्रजापतये स्वाहा, वो सेम प्रजापतये इदम् न मम। अच्छा, वही वही प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम् नमः, इदम् नमः। तो ये वो मंत्र अग्निहोत्र के लिए है, और समय के बहुत ही ध्यान रखते कि उसमें 6:45 तो उसी समय पे दी जाती है, उसी मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर देनी ही चाहिए, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो 1 मिनट के लिए सूर्यास्त और सूर्य मतलब वो चंद्र और सूर्य एक स्थिति में रहेंगे, उसके बाद वो हिल जाएंगे, तो वो स्थिति का बहुत महत्व है इस अग्निहोत्र के लिए। और उसके लिए ही उसका विकल्प जो चार आहुति मैंने बताई थी आपको, वो चार आहुति उसका विकल्प, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो। अच्छा हाँ, उसके लिए वो चार आहुति वो बेसिकली सब यज्ञ के उपरांत वो करनी ही चाहिए, उसके बाद यज्ञ के कंटिन्यूएशन कीजिए,
तो ये ईश्वर को खिलाना सबसे प्रथम हमारा हाँ ये वाली चार होती है बोल रहे हैं हाँ भूहा स्वाहा वो वाले उसमें देखा अग्नि देव को या सूर्य देव उनको ही देती सेम टू सेम आहुति देते हैं अग्नि सूर्य वायु और प्रजापति तो वैसे ही वो आहुति सिमिलर ही है। तो यदि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो मंत्र ना हो पाए हाँ अंशु जी आप क्या पूछ रहे थे अंशु जी। हाँ मैं बोल रहा था कि अभी बाकी लोग भी लॉगिन हो रहे होंगे जो भी डिस्कनेक्ट हुए होंगे हाँ। तो फिर भी इसको रिकॉर्डिंग की दृष्टि से भी हम कम से कम पूरा कर लेते हैं चलचित्र हाँ, उसके लिए मैं बोल रहा था चलचित्र संरक्षण के लिए तो हाँ, उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि यदि ये सूर्योदय हाँ। और सूर्यास्त वाले मंत्र न हो पाए मतलब उस समय न हो पाए तब ये वाली चार आहुति देनी है ना चार आहुति देनी है हाँ। और वो जो चार मंत्र जो मैंने वो बोला ना दो दो मंत्र जो दो दोनों हाँ। के लिए बोले थे वो उसी टाइम पे देना है उसके बाद नहीं दे सकते हम लोग नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा हाँ, तो समय से है तो मैं आपको बोल दूंगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट मंत्र है उसके लिए और कुछ नहीं और वो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा इस मंत्र के लिए आप रेगुलर सबसे बेस्ट होता है रेगुलर ही दीजिए उसमें आपको गैप नहीं ले सकते इस मंत्र के लिए ये जो चार मंत्र दिए हैं उसके लिए गैप का अर्थ मतलब कैसा मतलब आप अभी आज आपने किया तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा रेगुलरली अगर आपने लिया तो कोई बात नहीं है पर अभी जो मैं जिसको जानता हूँ जो व्यक्ति है उनको मैं जानता हूँ जो ये करते हैं तो वो जहाँ जाता है अपने साथ सब पूरे सामान लेके जाते हैं वो भी उन्होंने एक बार प्लेटफॉर्म भी पिक किया था देखने सुबह को क्योंकि वो उसमें गैप नहीं ले सकते ऐसा तो वो उतने स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं वो जिधर भी होता है वो गाड़ी रुकवा के उधर करते हैं यज्ञ तो वो उतने स्ट्रिक्टली करते हैं ये चार आहुति के यज्ञ आहुति हाँ तो वैसे तो ये थोड़ा उसके लिए स्ट्रिक्ट है उसके लिए विकल्प ज्यादा बेहतर है ठीक है समझ गए हाँ। और अभी और कुछ जानकारी बची क्या अभी क्योंकि बाकी लोग आते हुए तो नहीं नजर आ रहे और अभी अपने पास हाँ। एक दो मिनट ही बचे हैं 8 बजने में पर ठीक है हाँ। आज अच्छा तो से रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो कम से कम वो फायदा वो हमारा उद्देश्य था को लाभ होगा हाँ आप क्या बोल रहे थे शिवानी जी और कपिल जी वो आने वाले थे ना शिवानी जी ने लोगों को बताया जरूर पर वो अभी दिवाली के उसमें लगी हुई है घर में और उनके यहाँ और कोई है नहीं तो वो बोली थी कि वो मीटिंग में आज वाली में आना मुश्किल होगा अच्छा, कोई आपत्ति नहीं हाँ पर आप देखिए आपकी पढ़ाई के बीच में भी यदि एक आध घंटा कभी किसी दिन मिल पाता है अभी आपको करना आगे है, बता दीजिए ना वैसे तो एक वीक प्रायर कर लेंगे वही तो सबको मिलेगी एक वीक तक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो सब हाँ। वो स्प्रेड होगा तो ज्यादा लोग आएंगे यज्ञ में तो वो बेहतर रहेगा हाँ क्योंकि अब पढ़ाई तो अब उसके बीच हाँ वो चलते ही रहने वाली है उसके बीच बीच में हाँ, वो तो है। कभी ऐसा भला काम हम लोग हाँ, आपस में मिलते जुलते भी रहेंगे तो मैं अवश्य करेंगे हाँ अवश्य अवश्य उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए और मैं इस शनिवार को भी क्लास में आऊंगा उसके बाद शायद से देखते हैं ट्राई करूंगा जितने हो सके उतना शनिवार वाली कक्षा इस बार दिवाली है क्योंकि शनिवार को ही तो शनिवार हाँ। वाली जो है रविवार को होगी दोनों मतलब कुसुमा जी वाली भी और मेरी वाली भी तो 6 से 7 कुसुमा जी से शुक्रवार को उनकी कक्षा होती है कुसुमा जी की शुक्रवार को तो वो भी वो इस हफ्ते शिफ्ट कर रही है क्योंकि दिवाली है अच्छा तो उस दिन रविवार को कक्षा है उनकी तो हाँ दोनों रविवार को है अरे मैं उस दिन तो कार में रहूंगा शायद क्योंकि मैं तो ट्रैवलिंग करने वाला हूँ कोई बात नहीं तो मैं कार से कम से कम सुन तो सकते ही हैं यदि कार में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है उसमें सुन लूंगा हाँ ठीक है मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं गिरनार जा रहा हूँ इस नेक्स्ट वीक तो उसके लिए थोड़ा हाँ हाँ ठीक है तो बहुत अति उत्तम ओजस जी धन्यवाद अब हम और बीज मंत्र के आपको दिखना है तो वो दिखा लीजिएगा
हाँ बताइए कौन सा बोल रहे हैं आप? आपको मैंने जैसे लिखा लिखा आपने लिखा है वो बीज मंत्र की स्लाइड दिखाई है आपने जो वो वाले क्या ह्रीम, हाँ वो मुझे जोड़ना है। हाँ, वो मैं अभी जोड़ के फिर रिकॉर्डिंग। हाँ, तो जोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो ऐसा कीजिएगा, वो बढ़िया रहेगा। तो उसका तो मैं बीज मंत्र के बारे में बोलना था, वो हेडिंग डाल देता हूँ अभी यहाँ पे और अभी लिख दूंगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ आप जोड़ लीजिए जोड़ना है तो अभी आपको। हाँ वो भी चलेगा, तो बाद में कर लीजिएगा। बोल हाँ, दीजिए बोल तो दीजिए अब कंप्लीट मतलब। हाँ, वो रीम हो जाए फिर जो फर्स्ट हम। हाँ भाई, तो रीम प्रथम वाला जो था ये शिव जी का, वो लक्ष्मी देवी के लिए, लक्ष्मी जी का है। रीम जो है लक्ष्मी जी। अगला बोल। शारदा माता। फिर बाद में क्लीम, बड़ा क्लीम। हाँ, क्लीम नाती हो दुर्गा माता या देवी, मतलब सब देवी, मतलब बेसिकली जो भी उनके रूप है दुर्गा देवी के, कुल देवी हो गई, गायत्री के, सबके लिए क्लीम उत्तम मंत्र है। अच्छा, तो ये जनरल देवी के लिए? हाँ, मतलब हमें कुल देवी वही होती है, वो आपको शायद से मालूम होगा, कुल देवी के जो भी हम हमें कुल देवी है वो सब सती माता के वो सब अंश है। हाँ, कुल देवी तो उसके लिए वो दुर्गा देवी मानते हैं उनको। बाद में ओम, वो शिव जी के लिए, ये शिव जी का हुआ, ये परमात्मा। हाँ, मतलब वो शिव जी मतलब शंकर और परमात्मा दोनों, महादेव और परमात्मा दोनों के लिए वही। और महादेव दोनों के लिए ओम ही मंत्र है। बाद में श्री या श्रीम दोनों बाजू में लिखते हैं इस बार। हाँ, एक सेकंड है। वो श्री विष्णु जी का मंत्र है, विष्णु भगवान का। विष्णु जी, हाँ। बाद में गंग, जो गम गंग। हाँ हाँ, वो गणेश जी का मंत्र है, बीज मंत्र, गणपति जी का। बोले शौम जो है वो शौम या सच से वही है क्या है शौम नहीं मतलब सॉरी हुम 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 हनुमान जी का, हनुमान जी का है। बराबर, एक क्षण वो पढ़ रहा हूँ, वो सच से मिलेंगे तो बीच में को बोलता हूँ कौन से किसके कौन से है। हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ तक लिखवाए थे आपने पिछली बार भी, मुझे और भी कोई थे। हाँ, अभी इसके सबके वो जो लिखे तो वो लिख लीजिए, जो उसकी वैभव क्या है, मिलता है उससे फल बोलने से, तो वो लिखे अपन ने यहाँ पे जो लिखा है वो वही नहीं है क्या, जो अपन अलग अलग की सोमवार को शिव जी। हाँ, तो उसका क्या लाभ है, शायद से वही है, पर अभी इसमें मैं जो बुक है वो मैं से पढ़ रहा हूँ, तो वो मैंने पढ़ा तो ओम मोक्ष के लिए है, वैसे ह्रीम ऐश्वर्य के लिए, ऐसे सब का अलग दिया गया। अच्छा, तो, अच्छा, तो वो लिख लीजिए। ठीक है, तो हाँ लिख लेते हैं, एक मिनट मैं अलग रंग से लिखता हूँ यहाँ पे ताकि। अच्छा, मतलब अच्छा, और वो जो हनुमान जी का होम पट भी है वो भी चलेगा। तो ओम जो है मोक्ष के लिए है, वही मृत्युंजय, मृत्यु पे जय, तो मोक्ष हो गया। जय, हाँ, ओम। ठीक है, फिर ह्रीम ऐश्वर्य के लिए, जैसे मतलब देवी लक्ष्मी का मंत्र है तो ऐश्वर्य के लिए होगा, तो ऐश्वर्य के लिए ह्रीम ऐश्वर्य। श्रीम वैभव के लिए, वैभव। और आईम वाच सिद्धि के लिए, मतलब जो बोलते हैं ना वांचन की सिद्धि के लिए आईम वाच सिद्धि। अभी क्लीम जो मंत्र है उसके दो दो तीन मतलब फायदे है, तो जो प्रथम मुख्य फायदा है वशीकरण के लिए, दूसरा है शक्ति के लिए। शक्ति और वशीकरण, ऐसे दो फायदे दिए इसमें तो।
वशीकरण थोड़ा हाँ बोलिए हाँ हुमपट वो ग्रह दोष और भूत प्रेत को कोई उसके लिए उसके निवारण के लिए ग्रह दोष और भूत प्रेत निवारण के लिए हुमपट बाद में अभी उच्चातन के फट जो फट मंत्र सिंगल फट है वो उच्चातन के लिए अभी उसका उच्चातन का अर्थ क्या है वो मुझे नहीं मालूम पर उसमें भी है तो उसको रहने देते हैं जो हमको समझता है हम अभी वही लेते जाते हैं हाँ भाई और बाद में हुम जो दिया है वो विद्वेषण के लिए क्या विद्वेषण विद्वेषण के लिए हाँ बाद में गम जो है वो ज्ञान प्राप्ति या विद्या के लिए किसके लिए विद्या प्राप्ति और मतलब ज्ञान प्राप्ति विद्या के लिए विद्या हाँ हाँ विद्या हाँ वही विद्या ज्ञान के लिए जो जो भी हाँ ठीक है बढ़िया है वो गम हाँ ठीक है चलिए चलिए तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बीज मंत्र अगर मिलेंगे तो मैं आपको और बोलूंगा वो मैं आपको बाद में फोन पे से बता दूंगा क्योंकि उसमें और भी शायद से हो सकता है सबके बीज मंत्र होता है उसके लिए चलिए तो अभी अपना पूर्ण हो गया है फायदा है बीज मंत्र का वो आपने लिख लिया फायदा जो था बीज मंत्र का ये जो अपन ने सारे लिखे नीले रंग में वही है ना जो अभी भी आपने बोला हाँ मतलब नहीं बेसिकली वो क्या करते हैं उसका अर्थ क्या है बीज मंत्र का हरीम लक्ष्मी जी का और इसका अर्थ नहीं वैसे तो बराबर है मतलब सबका नहीं इन ऑल ओवरऑल का बीज मंत्र का अर्थ होता है कि वो सब बीज है मतलब उसे मंत्र की स्थापना हुई है उसे मंत्र सब बने हैं ये सब बीज मंत्र से मतलब सबसे प्रथम मंत्र यही होते हैं किसी भी मंत्र के लिए अभी जब हम मंत्र पढ़ते हैं लंबे लंबे मंत्र तो वो सब मंत्र इससे ओरिजिनेट होते हैं तो इसके लिए बीज मंत्र ओरिजिनेशन के पॉइंट बोलते हैं और जैसे लक्ष्मी लोक में जो आवाज आती है उसको रीम की आवाज बोलते हैं तो लक्ष्मी लोक में वो रीम की आवाज आती रहती है बाद में वैसे शिव लोक में ओम की आवाज आती रहती है तो वैसे जो वैकुंठ में श्रीम की आवाज आती रहती है तो वो बेसिकली वो देवता के लोक की आवाज है उसके लिए जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो वो जो हम बेसिकली ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो नमः शिवाय को ओम धक्का मारता है उससे पहुंचता है शिव लोक उसके लिए ओम का हाँ उसके लिए ओम का ज्यादा महत्व होता है जैसे वो आपने बताया था कि ओम लक्ष्मी देवी नमः हाँ ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय तो उसमें चामुंडाय विच्चय तो उसमें आईम ह्रीम क्लीम हाँ वो तीनों देवी देवी आती है जैसे ओम शिव सबसे प्रथम तो परमात्मा को ही देते हैं जिसके लिए ओम तो बोलते ही है वो परमात्मा को प्रार्थना होती है उसके बाद आईम तो शारदा माता के लिए ह्रीम लक्ष्मी जी के लिए और क्लीम दुर्गा माता के लिए तो ऐसा तीनों देवी देवी को हम ऐसा देते उसके बाद चामुंडाय विच्चय तो उसके लिए ऐसे मेरा जैसे एग्जाम्पल है इस सब मंत्र में ऐसा होता है ओम होम हनुमते नमः बोलते हैं ओम हनुमते नमः बोलते हैं तो उसके लिए वो सब उस देव के लोक की आवाज है उस लोक और मैक्सिमम फल यही देती है ध्वनि है हाँ और मैक्सिमम फल सबसे मैक्सिमम फल यही मंत्र देते हैं इसके अगर कुछ भी नाम में नहीं लगा सिर्फ ह्रीम बोलते हैं तो लक्ष्मी जी उससे प्रसन्न होकर फल देते हैं तो बेसिकली बहुत ही फलदायी मंत्र है ठीक है उत्तमम ओजस जी अब हम जाते हैं आज के लिए अच्छी बढ़िया जानकारी हो गई रिकॉर्डिंग भी हो गई संरक्षण भी हो गया अब मैं पूरा करके शेयर करता हूँ सबके साथ अच्छा ठीक है चलिए चलिए नमो नमः ओजस जी नमो नमः नमो नमः अवश्य अवश्य जय सियाराम शुभ रात्रि जय सियाराम शुभ रात्रि जय सियाराम